क्या पेरेसिस दो में आपका नाम नहीं है? देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी आपके 100 झोपड़े हैं, 100 झोपड़े में ऐसा भी हो सकता है कि सर्वे में कोई झोपड़ा छूट गया हो। अगर वो झोपड़ा छूट गया होगा तो बेसिकली उसका सर्वे कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सर्वे होगा, बायोमेट्रिक होगा, तब तो एनेक्शर में नाम आएगा आपका, और जब एनेक्शर में नाम आएगा तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो किसी का भी झोपड़ा अगर सर्वे में छूट गया हो, क्या होता है कभी कभी, क्या होता है, बाप बेटे हैं, अब उनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो पिताजी का भी है बेटे का भी है, लेकिन एक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं छूट गया गलती से। तो बेसिकली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सर्वे करा के लेना है, बायोमेट्रिक कराना है, और उसके हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करने, आपकी पात्रता हो जाएगी, उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन आज जब आप बैठे हैं ना, तो ये समझ के रखिए, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ पे बोल रहा हूँ, पात्रता, ठीक है, इस मुद्दे को याद रखिएगा।